सुबह बखैर। आज के दिन का आगाज़ कुछ हंगामी और तूफ़ानी हुआ, क्योंकि मैं जो हूँ ऑफ़िस जाने के लिए लेट हो गई थी। बस जो है वो पॉइंट के ऊपर वेट कर रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से मैनेज करते हुए हमने दिन का आगाज़ किया और बस को फाइनली हासिल कर लिया, यानी बस को हमने पकड़ लिया और हम बस में बैठ गए हैं इस वक्त और जा रहे हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, और हम कभी कभी सुबह में जो हमारा मूड होता है या हमने जो स्टार्ट किया होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नोट के ऊपर स्टार्ट किया होता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हम सोचते हैं वही हो। तो ऐसा ही कुछ आज के दिन के साथ हो रहा था। आगाज़ काफ़ी तूफ़ानी था, सुपर लेट किस्म का आगाज़ था। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करते हुए हमने बस को मतलब पा लिया था और फिर हम आप जा रहे हैं। हम इस वक्त जोहर मोड़ की तरफ हैं जहाँ से हमारी बस गुजर रही है, और उसके बाद हम आगे जाके जो है वो एक स्टूडेंट को, फिर वही जो हमारा पैटर्न है हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑफिस जाएंगे। तो इट इज़ अ लाइफ ऑफ एमफिल स्टूडेंट प्लस वर्किंग प्लस हाउस मेकर, व्हाट वी कैन से, वर्किंग वुमेन लाइफ। दिस इज़ हाउ वर्किंग वुमेन वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ वर्किंग वुमेन मूव्स फॉरवर्ड विद ऑल दी हर्डल्स, ऑल दी थिंग्स, एंड वो कम्स आउट कर रही होती है। सो समटाइम्स वर्किंग वुमेन मॉम्स भी होती हैं, समटाइम्स वर्किंग वुमेन जो है वो हाउस होल्ड लेडीज़ भी होती हैं, वर्किंग प्लस भी होती है। सो यहाँ मुझे ये है कि मेरा तीन फेजेज हैं, विच इज़ एक्चुअली आई एम फिल स्टूडेंट, उसके बाद एक वर्किंग लेडी, एंड देन ऑब्वियसली अ हाउस मेकर यू कैन से। सो हम जो हैं वो तकरीबन 4K वगैरह क्रॉस करके आ चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं अब, और यहाँ से अब जा रहे हैं। यहाँ के रोड्स बड़े ख़राब हैं भाई, बहुत मुश्किल होती है। खैर, हम अभी तकरीबन पहुँचने वाले हैं, और पहुंचने के बाद हम अपने काम का आगाज़ करेंगे। और डेफ़िनेटली मैं उस प्रीमिसेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इट्स ऑलमोस्ट नियर, वी कैन सी द रोड, हमें यहाँ से रोड नज़र आ रहा है, ट्रैफिक भी चलता नज़र आ रहा है। चौकी के करीब पहुँच चुके हैं, विद इन 2-3 मिनट्स हम ऑफिस में होंगे, और वहाँ क्या क्या काम करना है वो सब मेरे पाइपलाइन में। बट वही वाली बात है ना कि ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें वैसा ही हो। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे, किस तरीके से दिन गुज़रता है और किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि मुझे अभी अपनी क्लास भी लेने जाना है। सो लेट्स सी। जी ये बहुत देर की वीडियो है, लाइक ये है तकरीबन 10:30 बजे की क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड किया, एंड ये कब्रिस्तान है। हम बेसिकली जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, यानी कराची यूनिवर्सिटी, अपनी क्लास लेने। सो हम निकले थे किसी तरीके से सम हाउ, लाइक अराउंड 10:15 पता चला कि एक जो सीधा रोड था, जिस रोड पर हम सुबह आ रहे थे वो एक सीधा रोड था, आराम से जा सकते हैं, लेकिन वो शायद रोड बंद था ड्यू टू सम रीज़न्स। वहाँ पे हाइड्रेंट प्लांट्स वगैरह हैं, उसकी वजह से ट्रक की वजह से वो रोड बंद था, ट्रक्स ने रास्ता जो है वो मतलब जैम किया हुआ था। सो हम ये कोई हमने मिडवे निकाला है, तो हम ये बिल्कुल सुनसान जगह से गुजर रहे हैं, ठीक ठाक सुनसान जगह है ये, कि मतलब देख सकते हैं उस तरफ कब्रिस्तान था पीछे, और अब ये सारे चीज़ें, और अब आगे हम जब निकलेंगे तो काफ़ी सुनसान मामलात होंगे। लेकिन थैंक्स टू आर ड्राइवर, से बहुत स्मार्टली एंड वेरी क्विक डिसीजन लिया, और एक मिडवे में से निकाल के अब हम अपनी मंजिल जो कि 4K चौरंगी है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से वी विल शिफ्ट टू द चिंची डेफिनेटली, और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगी कि आई एम सुपर लेट, मैं क्लास के लिए लेट हो चुकी हूँ एज़ यूजुअल। ऑब्वियसली आप जब इतना डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थिंग्स इज हैपन, एंड फिर वही बात, इफ़ यू प्लानिंग समथिंग सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट विल बी एग्जीक्यूट एज अकॉर्डिंग टू यू, इट विल एज अकॉर्डिंग टू टाइम, एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंड यू हैव टू फ्लो विद द टाइम एंड सिचुएशन, एंड इट इज़ द लाइफ। मतलब इसी तरीके से ज़िंदगी गुजरती है, कभी कभी आपकी प्लानिंग कामयाब भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। तो इट्स ओके, लेट इट गो, फ्लो विद द व्हाट, नो फ्लोट विद द फ्लो, यस दिस इज़ द राइट थिंग। सो हम इस वक्त कोई एक ऐसी आबादी से गुजर रहे हैं, एज यू गाइस कैन सी इजीली, और मतलब इट्स 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 स्ट्रगल एक्चुअली, और
बस मुझे कभी कभी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, अभी मेरा सिर्फ सेमेस्टर का आगाज़ है, बट पीपल कीप कंटिन्यूसली आस्किंग मी हाउ विल यू मैनेज, हाउ कैन यू मैनेज दीज थिंग्स. सो मैं ये कहती हूँ कि आई विल, आई कैन, बिकॉज वी ऑल कैन. इट्स ऑल अबाउट अस कि हाउ वी आर टेकिंग थिंग्स एंड हाउ वी आर प्रायोरिटीज के साथ हम जो है वो चीज़ों को कर रहे हैं. सॉरी फॉर द टंग ट्विस्टर, समटाइम्स इट हैपन विद मी. सो इन दी एंड जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हमें खुद रियलाइज़ हो रहा होता है, वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड से जब हम गुजर जाते हैं, सो वी थिंक अबाउट द टाइम विच एक्चुअली पास्ड एंड वी लैप समटाइम्स एंड वी एक्चुअली अमेज्ड विद द टाइम कि हाउ वी एक्चुअली मैनेज, और वो क्या वक्त था, किस तरीके से उसने हमें सिखाया, चीज़ें बताई. वो गुजर गया वक्त, लेकिन वक्त सच में गुजर जाता है. बात सारी होती है कि आप वक्त को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर. तो वही चीज़ का इम्पेक्ट आपके पास इन दी एंड आता है. मुश्किल, तकलीफ, बहुत सारे हार्डल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आखिर में जाके आप कहीं ना कहीं पहुँच रहे होते हैं अगर आप गिव अप नहीं कर रहे होते. तो मेन चीज़ ये है, कंसिस्टेंट होना, फोकस होना, मोटिवेटेड होना, बिकॉज समटाइम्स आप मोटिवेशन लेवल भी छोड़ देते हो कि यार इतनी दूर से आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं हो रहा. तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, और गिव अप नहीं करना, अपने ऊपर गिव अप नहीं करना, अपनी सिचुएशंस के ऊपर गिव अप नहीं करना. सो यू विल गेट समथिंग वेरी गुड. हम पक्के रोड पर आ चुके हैं एंड दिस इज़ ऑल द कूड़ा मंडी टाइप ऑफ प्लेस विच नेम इज़ एक्चुअली कूड़ा मंडी, जहाँ कराची का पूरा कूड़ा डंप होता है. ये मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया. ही वॉज कीप टेलिंग मी, बिकॉज यू नो आई वॉज रिकॉर्डिंग, ही वॉज कीप टेलिंग मी कि वॉट इज़ दिस, वॉट इज़ दिस. हम पक्के रोड पर आ चुके हैं, अतराफ में आबादी भी अब दिखना शुरू हो गई है, और काफ़ी हद तक ये सायमा की पट्टी है, सायमा अरेबियन अवेला की ये बाउंड्री लाइन है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग. और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारी आई गेस रेजिडेंशियल एरियाज है, बट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, इट्स अंडर डेवलपमेंट. सम हाउ 10 to 12 ईयर्स के बाद यहाँ एक पक्की पूरी ठीक ठाक आबादी होने वाली है, जिस तरीके से चीज़ें चेंजेस हो रही थी, क्योंकि वी कैन सी, हमें दिख रहा था उस वक्त ये गटर लाइन वगैरह सारी चीज़ें. ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त, जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वक्त ज़ाहिर है रात हो चुकी है, जिस वक्त मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके क्लिप सेव कर दी जा रही थी. सो इट्स नॉट एक्चुअली वीडियो इज़ अ रियल टाइम, बट वॉइस इज़ नॉट एक्चुअली अ रियल टाइम, इट्स अ रियल टाइम. सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. सो ये पूरी अब आबादी शुरू हो चुकी है, वी कैन सी कि यहाँ पे आबादी है, और किस तरीके से ये कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई सोसाइटी टाइप का है, इसका गेट है. सो यहाँ से हम गुजरते जा रहे हैं. वो कहते हैं ना कि चीज़ें कितनी तेज़ी से चेंज होती हैं, तेज़ी से डेवलप्ड होती हैं, सोसाइटीज़ डेवलप्ड होती हैं, और उसके साथ कम्युनिटी सिविलाइज्ड होती हैं. सो खैर, दिस इज़ द ग्रीन लाइन, यस दिस इज़ द ग्रीन लाइन. हम 4K के पास पहुँच चुके हैं. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट आई एवर विटनेस इन माई शऊर लाइफ, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन. ये यहाँ से 4K सिरजानी वाला जो इसका हब है, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से ये जाती है सीधी स्ट्रेट नुमाइश तक. नुमाइश वाला बहुत खूबसूरत है स्टेशन, ये भी बहुत अच्छा है, बट मैंने यहाँ से कभी यूटिलाइज़ नहीं किया बस. बट आई रियली अप्रिशिएट टू द गवर्नमेंट हु एक्चुअली डेवलप्ड दिस. सो फाइनली वी हैव रीच टू आर डेस्टिनेशन, देखते हैं आगे क्या करना है. और जी ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर चिंची, और कोई भी चिंची वाला ना राज़ी नहीं हो रहा था मुझे ले जाने को. मैं कंटिन्यूसली पूछ रही थी कि जाना है वहाँ, जाना है वहाँ, जाना है वहाँ, जाना है. और ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे चिंची नहीं मिल रही थी, और मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी कि लेकिन फाइनली मुझे चिंची मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस तरीके से मैं चिंची लूँगी. लेकिन मैं खैर वो बहुत सारी गुजर गई चिंचीज, एंड देन इन द एंड आई फाइनली गॉट माई चिंची. यस दिस इज़ द वन, एंड दिस इज़ how I am sitting. और ये मैं चिंची में बैठ चुकी हूँ. ये JDC की बस है which is very good, और ये free transport देती है. इसने भी मुझसे पूछा था कहाँ जाना है, जिसको मैंने ये बताया कि कहाँ जाना है, तो उसने मुझे जो है कहाँ नहीं हम मानी जाएंगे. लेकिन खैर ये चिंची अब मुझे सीधी लेके जाएगी गुलशन चौरंगी, और दिस इज़ 786. बट मुझे इसमें समझ में नहीं आई एक चीज़, इस चिंची वाले ने मुझसे पैसे ज़्यादा लिए.
यानी नंबर्स तो आप मुझसे पैसे ज़्यादा लेंगे, बिकॉज मैं नॉर्मली वहाँ से चिंची से ट्रैवल कर रही होती हूँ. सो दे चार्ज मी लाइक 80 रुपीज़ समथिंग, तो बट ही चार्ज मी 90 रुपीज़. एक्चुअली 10 रुपये ही ज़्यादा है, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो क्या होगा. अच्छा भाई, चिंची से हम रिक्शे में शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं. वी आर गोइंग टूवर्ड्स के यू, क्योंकि आई एम सुपर लेट और ग्रुप में मैसेजेस भी आने शुरू हो गए थे. सो वो वाली बात है, चेजिंग योर ड्रीम विद ऑल द पैशन एंड ऑल द मोटिवेशन. और मैं पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह, मुझे पता है, देखते हैं, मुझे पता है मैं पहुँच जाऊँगी. और पहुँचने के बाद ऑब्वियसली आई कांट रिकॉर्ड बिकॉज क्लास शुरू हो चुकी है, आई एम ऑलरेडी लेट. और जी क्लास ख़त्म हो चुकी है, वी आर गोइंग बैक. और ये मेरी लॉबी है कराची यूनिवर्सिटी मास कॉम डिपार्टमेंट की. सो अब देखते हैं क्या है. मैं बेसिकली ना अपने क्लासमेट्स को ढूंढूँ, मैं अंदर से क्या बात करी थी, सभी भाग गए. आई एम सॉरी गाइज, बट आई वॉज लिटरली लुकिंग फॉर यू कि तुम लोग कहाँ थे, बिकॉज मुझे जो मेरे नोट्स रह गए थे वो मुझे लेने थे इसी वजह से. और अब हम बाहर से एक रिक्शा करेंगे जाने के लिए घर, और हमने ही रिक्शा कर लिया. यहाँ पे भी ब्लॉकेज मिला, अच्छा खासा रिक्शा जा रहा था, फिर वो एक कच्ची ज़मीन पर उतर गया. मैं सुबह से ही कच्चे इलाके या कच्चे रोड से गुजर रही हूँ. खैर ये दैट वाज अ वेरी गुड कॉज एक्चुअली. ये रैली हो रही थी जो हमारी इस वक्त वर्ल्ड की जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी सॉलिडिट्री में ये रैली निकल रही थी. तो सारे स्टूडेंट्स रैली निकाल रहे थे, तो इसलिए रिक्शे वाले ने पीछे चला. एंड ही वाज आस्किंग मी आर यू मेकिंग वीलॉग, आई वाज लाइक नो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग. लेकिन मैं पूछ रहा था, उसको पता था कि मैं शायद वीलॉग बना रही हूँ, जिस पे मैंने उसे मना कर दिया कि मैं वीलॉग नहीं बना रही हूँ. और मैं बस तेज़ी के साथ अब हम मेन रोड पे आ चुके हैं. और यस दिस इज़ द मेन रोड, यस यस यस, हम मेन रोड पे आ चुके हैं अब दोबारा से. और अब हम सिल्वर जुबली जाएंगे और वहाँ से दूसरा रिक्शा लेंगे और घर की तरफ जाएंगे. थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह 6 बजे से हमारी परेड जारी है. इन द एंड परेड एंड हो जाएगी. आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस. एंड ये देखिए सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो रैली निकाल रहे हैं, सब वॉक कर रहे हैं. और कुछ लोग तकरीर भी कर रहे थे, कुछ लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे थे. मीडिया वॉज देयर, एवरीबडी वॉज देयर एक्चुअली, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीवन एंड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से जो सारी चीज़ें कर रहे थे, जो भी हमारी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उसके सॉलिडिट्री में. सो खैर वी जस्ट क्रॉस थ्रू, हमने यहाँ से क्रॉस कर लिया था और हमें वहाँ जाना था. उसके बाद ओबियसली मैं घर जाके अपने दूसरे पेंडिंग काम करूँगी, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सोना. मतलब मैं ठीक ठाक अपना वही कहते ना नैप टाइम करूँगी. सोना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं यू विल नॉट गेट फ्रेश. सो ये सारी चीज़ें करके और भी दूसरी चीज़ें होंगी जो मुझे करनी होंगी, तो डेफिनेटली आई विल नॉट एबल टू रिकॉर्ड. सो अभी तक के लिए इतना ही. इन द एंड मैं सिर्फ यही बात कहूँगी, ज़िंदगी जो है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है, बहुत शॉर्ट स्पैन की होती है. सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी एंड क्राफ्ट इट टूवर्ड्स फॉर योर ओन सेल्फ लाइक प्रोडक्टिव, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी. क्योंकि जो चीज़ आप अपने लिए प्रोडक्टिव कर सकते हैं तो आप उसके बाद दूसरों के लिए भी कर सकेंगे. अगर आप अपने लिए मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरों की मदद, दूसरों की चीज़ों को बेहतर करने के लिए भी मोटिवेटेड होंगे. और ज़िंदगी का मेरे ख्याल में मकसद यही है अब तक सो फार जो मुझे समझ में आया है, कि वक्त के साथ मुकाबला नहीं कर सकते. कभी कभी हमें वक्त और हालात के मुताबिक जाना पड़ता है. और दूसरा ये कि हमें इतना मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड की मैं बात कर रही हूँ, कि हम पहले अपनी मदद करें, उसके बाद फिर दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ सकें. दिस इज़ द टुडेज़ वीलॉग काइंड ऑफ थिंग. सो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के आपने वीलॉग से क्या सीखा. डेफिनेटली ये बिल्कुल सारा सफ़र में ही एक गुजरा हुआ वीलॉग था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.